वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने चैनल के ऊपर 1000 प्लस ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की हुई है। तो वो था फास्ट रिवीजन, जो मैंने पहला लेक्चर डाला था, तो उस पर आपने कमेंट किए थे कि आपको डिटेल्ड में क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं अब फास्ट रिवीजन के बजाय आपको ज्योग्राफी के डिटेल्ड सोल्यूशन बताऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। चलिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 प्लस प्रश्न जो है ज्योग्राफी के डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में भी आज हम ऐसा ही करेंगे, बट डिटेल सॉल्यूशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी होगी। जो भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, यूपी को पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आ गए हैं, हरियाणा पुलिस और एसएससी स्टेनोग्राफर और भी आपके जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, सभी के लिए आप जानते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सक्सेस मंत्रा एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। द प्राइमरी गोल ऑफ प्लानिंग फॉर डिजास्टर्स इज टू रिड्यूस। भाई, डिजास्टर से निपटने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी गोल क्या होता है? तो प्राइमरी गोल होता है कि जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। डिजास्टर प्लानिंग इज द क्रिएशन ऑफ प्लान्स थ्रू विच कम्युनिटीज रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू हैजर्ड एंड कोप विद डिजास्टर्स। कंटोर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल। यहाँ पे आपको बताना है जो कंटोर लाइन है वो दो प्लेस को आपस में जोड़ती है। किन दो प्लेस को आपस में जोड़ती है? एलिवेशन यानी कि इक्वल हाइट। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। कंटोर लाइन इज अ लाइन ऑन अ मैप और अ चार्ट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट और डेप्थ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे कि आइसोबाथ एक बार पूछा गया था, जॉइन्स द पॉइंट सेम डेप्थ बिलो वाटर। आइसोबार बार आ गया तो यानी कि प्रेशर की बात हो रही है, सो जॉइन पॉइंट विद सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोथर्म थर्म की बात यानी कि टेम्परेचर आ गया, तो जॉइन पॉइंट्स विद द सेम टेम्परेचर। और यहां पर मैं बात करूंगा आइसोदेयर, आइसोदेयर जॉइन पॉइंट विद द सेम मीन समर टेम्परेचर। आइसोक्रोन, आइसोक्रोन जॉइन पॉइंट दैट इट takes the same time to reach from a given place. So map on large scale representing both natural and man-made features are called. तो ये मैप आपको दिखाया गया है, इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप। ऑप्शन 2 है राइट आंसर। नेक्स्ट है द वेल थ्रू विच वाटर कम्स आउट थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर इज कोल्ड। देखिए, कुएं की बात हो रही है जिसमें जो वाटर है जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से अपना बाहर आ जाता है, आपको बताना है। तो इस टाइप के जो कुएं होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। आर्टिशियन वेल क्या होता है, सिंपली जिसमें कंडीशन क्या होती है, वेन देर इज एनफ प्रेशर इन एक्वीफायर। जब एनफ प्रेशर हो जाता है एक्वीफायर में, तो वाटर जो प्रेशर होता है वो कॉज होता है किसका, वाटर का ऊपर आने का। तो प्रेशर ऑफ फोर्स, द प्रेशर फोर्सेस द वाटर टू द सरफेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। अ फ्री फ्लोइंग आर्टिशियन बोरहोल की यहाँ पे आपको जो है पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय टर्म मिडनाइट सन। मिडनाइट सन क्या होता है ये आपको बताना है। सो आप सभी जानते हैं मिडनाइट सन की रात के समय में जो है सूर्य दिखता है उस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दिखता है हमें, सो सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। सो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन पर यहां पर लेके चलूंगा आपको। पहली बात तो जो मिडनाइट सन है वो आपको एक नेचुरल फिनोमिना है दैट अकर्स इन समर मंथ, समर के महीनों में होता है। इन प्लेस कहां पर, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल और साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, When the sun remains visible at the local midnight, तो उसे हम क्या बोलते हैं, midnight sun. Imaginary line joining places with same temperature. अभी मैंने आपको बताया था temperature की बात हो रही है, तो temperature की बात यानी कि thermals, option 4 है right answer.
इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्टोर लाइन उनको बोला जाता है, ऑप्शन टू है राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ कॉन्टोर लाइन, ये था ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टोर लाइन का अल्टरनेट नेम क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा था। तो आइसोहाइप्स हम बोलते हैं कॉन्टोर लाइन को, ऑप्शन थ्री है आपका राइट आंसर आइसोहाइप्स। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, जो मैप मेकिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, और जो बनाता है मैप उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। हु कॉइंड द टर्म जियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी टर्म्स किसने कॉइन की थी आपको बताना है। तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। इरेटोस्थनीज ऑफ साइरिन वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, पोएट, एस्ट्रोनोमर एंड म्यूजिक थियोरिस्ट, ये बताया गया इरेटोस्थनीज के बारे में। ही वॉज मैन ऑफ लर्निंग, बिकमिंग द चीफ लाइब्रेरियन एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ही इन्वेंटेड द डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजी यूज टूडे, ठीक है। तो जो टर्म है जियोग्राफी की वो कॉइन की थी इरेटोस्थनीज ने, ऑप्शन टू है राइट आंसर। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, देखिए मैप में यहाँ पर आपको क्षेत्र दिखाया है रेड कलर का, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है उसमें जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका जो ये क्षेत्र होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, ठीक है। सो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज ट्रॉपिकल। अब यहां मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़े से फैक्ट, जो ट्रॉपिक्स है उसमें क्या है 40% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया किसके अंदर है, ट्रॉपिक के अंदर, ठीक है। और 36% ऑफ अर्थ लैंड मास किसके अंदर है, ट्रॉपिक के अंदर। और 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो 40% रहती है किसमें, ट्रॉपिक्स में। और कहा जाता है कि 2030 तक ये बढ़कर क्या हो जाएगी, 50%, क्लियर। इसलिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, ट्रॉपिक, ऑप्शन वन है राइट आंसर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एरिया ऑन मैप्स मापा जाता है किस इंस्ट्रूमेंट के साथ, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसका नाम है प्लेनीमीटर, ऑप्शन वन है राइट आंसर प्लेनीमीटर। कुछ और इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे कि अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर आपका किसके काम आता है, एयरक्राफ्ट में काम आता है फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड। बैरोमीटर आप सभी जानते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के यूज किया जाता है, और कैलिपर जो होता है आपका वो डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर और वायर यूज किया जाता है उसको मापने के लिए। जो इम्पोर्टेंट पेपरों में आए हुए हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे कि डायनमो पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है डायनमो पेपर में, क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हैं आपके और फैदोमीटर एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन फैदोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर आपसे पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम के अंदर, मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और एक हाइग्रोमीटर, इसमें कंफ्यूज होता है हमेशा, कंफ्यूजन हाइड्रो और हाइग्रो में, हाइग्रोमीटर क्या करता है, यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी मापने के लिए यूज होता है एयर की, हाइग्रोमीटर। और जो हाइड्रो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे, कार्टोग्राफी। द वन हु इज एंगेज्ड इन साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ मैप इज कॉल्ड, भाई जो साइंटिफिक ड्राइंग बनाता है मैप की उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, ऑप्शन टू है राइट आंसर। इन डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, भाई कौन से ऐसे जो जंगल होते हैं जिनके जो ट्री हैं पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं आपको बताने, तो वो होते हैं आपके डेसिड्यूअस
फॉरेस्ट ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, जो पतझड़ी वन हम जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉन्फीरियस फॉरेस्ट, आर्कटिक फॉरेस्ट। सो जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिखाया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है, जो ग्रीन कलर का एरिया आपको शो कर रहा है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है। सो वहां पर ऑप्शन वन है आपका राइट आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में। जो रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल क्षेत्र में वो होता है 60 से लेके 160 इंच तक, ठीक है, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द ईयर। सो यहाँ पे ऑप्शन वन है आपका राइट आंसर, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। सो जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल सोर्स एयर पोल्यूशन के क्या होंगे वही बताइए। देखिए जो नेचुरल सोर्स इनमें से जो ज्यादा प्रभाव डालता है वो है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जो लावा फटता है उसकी जो राख होती है वो वायुमंडल में मिलती है। सो नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन यहाँ पे हम कहेंगे वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप कैसे कैरेक्टराइज्ड करोगे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होती है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। यदि इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं रोन रेन जो कि अकर्स इन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेनफोर्स्ड क्लाइमेट इन विच देर इज नो ड्राई सीजन, ऑल मंथ सेवन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ लीस्ट 60 मिलीमीटर एंड मे ऑल्सो बी रेफर टू एज अ लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन थ्री है आपका राइट आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। विद वट बायो रीजन इज द टर्म स्टेपे एसोसिएटेड, स्टेपे एक ग्रासलैंड का नाम है आपको पता है, ठीक है। अब वर्ल्ड के जो वेरियस ग्रासलैंड है वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से रीजन से वो बिलोंग करते हैं। अभी हम बता रहे थे स्टेपे आपको वो किसका है, यूरोप और नॉर्थ एशिया का, ठीक है। पुसाज की बात करें तो वो हंगरी का है, प्रेरीज की बात करें यूएसए का, पेम्पोस अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटेबरी आपका है न्यूजीलैंड, सवाना है आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, सवाना पेम्पोस प्रेरीज ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तेगा है आपका जो वो है यूरोप और एशिया का, और सेल्वर्स है वो आपका है साउथ अमेरिका का। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉयल कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है वो क्या है, ये आप पिक्चर देख रहे हो ये किस टाइप की फार्मिंग होती है, ये आपकी होती है कंट्रोल फार्मिंग। और कंट्रोल फार्मिंग जो करते हैं वो सॉयल इरोजन में जो है उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो कंट्रोल फार्मिंग की मैं बात करूं ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका बायोस्फेयर। बायोस्फेयर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चनों में और हेल्प करेगी जो बायोस्फेयर की डेफिनेशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बायोस्फेयर आर आल्सो नोन एज द इकोस्फेयर इज द वर्ल्ड वाइड सम ऑफ, ये ध्यान दीजिए, वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल ऑफ व्हाट इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है सभी का सम वो क्या है बायोस्फीयर। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अ क्लोज्ड सिस्टम एंड अ लार्जली सेल्फ रेगुलेटिंग। और जो बायोस्फीयर टर्म की बात करूं तो वो किसने दी थी, एडवर्ड स्वेस ने 1876 में। स्पीशीज विच हैज रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, मतलब रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर जो पोलर बियर है तो वो पोलर यानी कि
ठंडे प्रदेश में ही पाया जाएगा, पॉलर रीजन में ही पाया जाएगा, कोई आपको रेगिस्तान में पॉलर बियर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। मीठे पानी की मछली मीठे पानी में ही मिलेगी, आपको खारे पानी के समुद्र में नहीं मिलेगी, तो इन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, एंडेमिक स्पीशीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिक रीजन। नेम द कंडीशन विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू डिस्टिंक्टिव फॉर्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है इसका राइट आंसर ऑप्शन वन। वर्चुअली ट्रीलेस स्पर्स वेजिटेशन इज फाउंड इन, ट्रीलेस स्पर्स स्पर्स मिलेगी, कम जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, ट्रीलेस वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वो आपको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी, टुंड्रा, टुंड्रा का क्षेत्र जो बोला जाता है। इन फिजिकल जियोग्राफी टुंड्रा इज अ टाइप ऑफ बायोम वेयर द ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट इज टेगा, टेगा क्या है, कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट का क्षेत्र है, यहाँ आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ठीक है, नुकीले टाइप के, तो ये आपका क्या है, कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट क्षेत्र होता है तेगा का। कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट वेजिटेशन कंपोज प्राइमरली ऑफ कॉन बियरिंग निडल लीव्ड और स्केल लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज फाउंड इन एरिया दैट हैव लॉन्ग विंटर एंड मॉडरेट टू हाई एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये जो कंडीशन दे दी इसकी, फाउंड इन एरिया दैट हैव लॉन्ग विंटर्स एंड मॉडरेट टू हाई एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो क्षेत्र इसका बता रहे हैं वो आपका यूरेशिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सिस, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है इसमें से आपको बता, फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, द फर ऑफ द एनिमल लिविंग इन कोल्डर रीजन, जो फर होता है एनिमल्स का स्किन के ऊपर फर यूज करते हैं, जैसे वहाँ के जो नेटिव पीपल्स होते हैं वो, मतलब कि काम क्या करता है फर आपको बताने, मतलब कि साइंटिफिक क्वेश्चन है ये, तो वो क्या करता है, जो एयर है उसको ट्रैप करके रखता है और जो है हमें वार्म रखता है, गर्म रखता है, सो ऑप्शन ट्रू है इसका राइट आंसर, ट्रैप देयर एंड कीप देम वार्म। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कवरेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन अर्थ सर्फ अर्थ लैंड मास, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अर्थ के लैंड मास पे जो कितनी कवरेज है उसकी, कितनी परसेंटेज ऑफ कवरेज अब आपको बतानी है, तो वो कितनी है टोटल, 7%, लगभग 7% है, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। और दे हैव होम टू अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ ऑल लिविंग थिंग ऑन अर्थ। Which of following metals contribute to the biomagnification problem in ecosystem? Biomagnification क्या होता है भाई, किसी भी पर्टिकुलर टॉक्सिक एलिमेंट के जो सब्सटेंस की मात्रा होती है फूड चेन के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, बायोमैग्निफिकेशन उसे बोला जाता है। तो अक्सर ये एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगी मरकरी के अंदर, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन ऑल्सो नोन एज बायो एम्पलीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुली हाई लेवल इन फूड चेन। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसमें जो पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई हो जाती है, तो ये किसके लिए है, मरकरी के लिए। ऑल द इकोसिस्टम्स टेकन टुगेदर इन अ जियोग्राफिकल एरिया फॉर्म अ बिगर यूनिट कॉल्ड, सभी इकोसिस्टम को मिला लिया जाए तो जो एक जियोग्राफिकली एरिया बनता है बहुत बड़ा, उसका क्या नाम होता है, वो होता है बायोस्फीयर। बायोम और बायोस्फीयर, देखिए बायोम क्या होता है, बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन, वो होता है आपका बायोम। और बायोस्फीयर क्या होता है भाई, जितने भी प्लेसेस हैं अर्थ के जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है पाई जाती है, ठीक है, तो वो है आपका बायोस्फीयर सभी को मिला के, और इसके अंदर आपके सारे बायोम्स भी आ जाते हैं।
टिडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड, टिडल फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, टिडल फॉरेस्ट को जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दलदलीय जो वन होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जैसे भारत में बांग्लादेश के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है, वहां पर जो है ये वन पाए जाते हैं। और जो कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, जो दलदली क्षेत्र होता है उसके आसपास, वहां पर जो है वन आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सो टिडल फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो कलर जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट को दर्शाता है। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। नेक्स्ट है, रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन, रबर प्लांटेशन मेनली कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। सो रबर प्लांटेशन मेनली आपको इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। इक्वेटोरियल रीजन में क्यों पाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मैक्सिमम रबर जो एकत्रित की जाती है वो ट्री जिसका नाम है हेविया ब्रेसिलेनिसिस, ठीक है, ये ट्री का नाम होता है। अब इसके उगने की कुछ कंडीशन होती है, क्या होती है, इसको एक तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जिसका टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री हो, और जो एनुअल रेनफॉल हो वो आपका 200 से ज्यादा सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन आपको मिलेगी इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। और द रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो इस कंडीशन के चलते जो आपकी रबड़ है वो इक्वेटोरियल रीजन में उगाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 है राइट आंसर, इक्वेटोरियल रीजन। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन इकोसिस्टम, यूनिडायरेक्शन फ्लो दैट इज एनर्जी, ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, सी लेवल को बढ़ाती है, जो क्रॉप पैटर्न में चेंजेस आते हैं और कोस्ट लाइन जो आपकी बदलती हैं, मतलब कि उनका जो एरिया बढ़ता है या घटता है, कोस्ट लाइन चेंज इन कोस्ट लाइन। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑप्शन 4 है राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। अ नेचुरल रीजन हैज द सिमिलैरिटी ऑफ, नेचुरल रीजन हैज सिमिलैरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन, सॉयल एंड ड्रेनेज, इकोनॉमिक बेस एंड रिसीज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल रीजन हैज सिमिलैरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। कॉज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या है मेन, वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मेन कॉज इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन लो लाइंग एरिया अर्थ कवर इज कॉल्ड, भाई भरा जाता है जो लो लाइंग एरिया होता है उसको जो है सॉलिड वेस्ट उसमें डंप की जाती है, उस क्षेत्र को भरा जाता है, उसे हम बोलते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग, ऑप्शन 1 है राइट आंसर। देर इज अ नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर, हमें जो है पृथ्वी का ज्यादातर भाग हमें फॉरेस्ट, मतलब कि ज्यादातर भाग पे हमें फॉरेस्ट कवर चाहिए, ऐसा क्यों है आपको बताना है। भाई जो पेड़ के होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा वायुमंडल में। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑप्शन 1 है राइट आंसर, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द एरिया रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, वाइल्ड लाइफ के लिए जो एरिया रिजर्व किया जाता है उसे हम बोलते हैं नेशनल पार्क। भारत के कुछ नेशनल इंपॉर्टेंट पार्क जैसे कि मैं बात करूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, केवलाडियो घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, नगरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है। सो ये आपके जो क्षेत्र हैं, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर विभिन्न जानवरों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है, वो है सन। टू विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डू साल एंड टीक ट्रीज बिलोंग, कौन से वेजिटेशन बेल्ट से ये बिलोंग करते हैं। सो ये आपके बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। सो ऑप्शन 3 है आपका राइट आंसर, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट अक्कर इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, कोस्टल स्वैम्प जहाँ पर होती है, ठीक है,
कोस्टल जो दलदल होता है वहां पर, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इज मेनली फाउंड इन रीजन हैविंग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेन फॉरेस्ट कौन से क्षेत्र में मिलेंगे ये आपको बताना है, जहां पे वर्षा की जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आपसे पूछा गया है पर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल और जो टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन किसकी है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की। सो ऑप्शन फोर है राइट आंसर। आफ्टर विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैज अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मीन नेम्ड गोंडवाना लैंड। सो ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, गोंड ट्राइब है जो, और ये हमें जो है मिलती है भारत में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। एन इकोलॉजिकल सिस्टम इज, इकोलॉजिकल सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ओशियन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम यहाँ पे आपको ऑप्शन में से बताना कौन सा, जो एक्वेरियम इज अ एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का वो है बायोस्फेयर, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। विच ऑफ अलाउिंग इज एन एबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, सो जो एबायोटिक और रिन्यूएबल सोर्स है वो है आपका वाटर। अब एबायोटिक सोर्स कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो, वो होते हैं नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल एलिमेंट, ठीक है, विच अफेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इकोसिस्टम। समझिए, नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल एलिमेंट जो सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर और एज वेल एज इकोसिस्टम पर, उन्हें हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, विजिबल लाइट, रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, वाटर, हैवी मेटल्स, एटमोस्फेरिक गैसेज, सोयल केमिकल्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर। सो ये थी आपकी लेक्चर नंबर 2, क्लास 2। सो क्लास 3 जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। ये वीडियो आपके आगे जारी रहेगी और फिजिक्स की भी जो है लगभग तैयार हो चुकी है आपकी नेक्स्ट क्लासेस, तो फिजिक्स की भी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो शुक्रिया देखने के लिए, कोई करेक्शन वीडियो में हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।